Hey guys, do not forget to subscribe and hit the bell icon for ongoing updates on this channel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डी जेनी और आपका स्वागत है व्लॉग्स बाय न्यू चैनल में। वो एक हमारे जो सब्सक्राइबर है, आज ही एक्चुअली डाला था कि बेसिकली प्रो टूल्स फर्स्ट के बारे में सीखने के लिए। हमने पहले प्रिसोनस के बारे में किया था, लेकिन वो मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन मैं ज़रूर ट्राई करूँगा प्रिसोनस को भी। प्रिसोनस का जो स्टूडियो वन है वो भी मैं ट्राई करूँगा। एक्चुअली बहरिंजर का जो है, मेरे को लग रहा है ड्राइवर या सपोर्ट का जो ड्राइवर है सपोर्ट नहीं कर रहा था प्रिसोनस के लिए, स्पेशली UMC 22204 और 404 HD वाला भी शायद सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मुझे वो फाइंड आउट करना है प्रिसोनस के साथ क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है, स्पेशली स्टूडियो वन जो है। अभी प्रो टूल्स फर्स्ट का भी मुझे कुछ लोगों ने पूछा था कि प्रो टूल्स फर्स्ट का भी जो है, जो क्योंकि वो फ्री सॉफ्टवेयर है तो उसका भी कुछ बनाए, तो आज हम वही देखेंगे प्रो टूल्स फर्स्ट का। मेरे पीछे एक्चुअली चल रहा है उसका जो एडवर्टाइजमेंट है, बेसिकली प्रो टूल्स फर्स्ट जो है बिल्कुल फ्री है, लेकिन थोड़ा लिमिटेशंस और उसका थोड़ा फंक्शनैलिटी है जो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो मैं आज आप लोगों को पूरा एक डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा क्या प्रो टूल्स फर्स्ट है और आपको कितना चैनल्स मिलेगा, उसमें कितना ट्रैक्स मिलेगा आपको काम करने के लिए, आप उसमें म्यूज़िक बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, मिडी कंट्रोल्ड है या नहीं है, और ये जो फ्री जो बोल रहे हैं लोग, ये सच्ची में फ्री है और इज़ इट वर्थ वाइल फॉर यू और नॉट। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज प्रो टूल्स फर्स्ट हम लोग डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसीजर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, और हम उसको पूरा अंदर से बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे कि प्रो टूल्स फर्स्ट अगर हमारे लिए काम का चीज़ है कि नहीं। तो हाँ दोस्तों, अभी हम लोग जाएंगे अपने डेस्कटॉप में और चेक करेंगे प्रो टूल्स फर्स्ट कहाँ से मिलेगा और कहाँ से डाउनलोड करेंगे हम, और डाउनलोड करने के बाद उसका जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है हम लोग चेक करेंगे, और इसमें जो फ्री का जो फंडा है ये लोग जो बोल रहे हैं असली में फ्री है कि नहीं, ठीक है। और हम ये भी चेक करेंगे हमारा वोकल रिकॉर्डिंग हम लोग जो कर रहे हैं बराबर वोकल रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं, और क्या क्या फ़ायदे हैं इसमें। चलिए चलते डेस्कटॉप में, ठीक है। तो अभी है हमारे डेस्कटॉप में, अभी हम जाएंगे इसमें लिखेंगे प्रो टूल्स फर्स्ट, मैं ऑलरेडी पहले लिख चुका था इधर, और इसमें जाके हम लोग ये वाला पहला वाला साइट ले लेंगे, और इसमें देखिए प्रो टूल्स के बारे में ये पूरा उसका वीडियो आता है। तो हमें डाउनलोड पे जाने का है प्रो टूल्स के लिए, जो है प्रो टूल्स फर्स्ट दिया हुआ ऑलरेडी, तो इसी में जाके हम लोग गेट इट नाउ फॉर फ्री, देखिए इसमें दिखा रहा है गेट इट नाउ फॉर फ्री। तो इसमें लिखा हुआ क्रिएट म्यूज़िक विथ अप टू 16 ऑडियो ट्रैक, मतलब 16 ऑडियो ट्रैक हम लोग इसमें फ्री बना सकते हैं। तो 16 ऑडियो ट्रैक भी बहुत ही अच्छा है, बहुत फ़ायदे का चीज़ है, अगर आप लोग वोकल रिकॉर्डिंग करें तो बहुत ही अच्छे इसके लिए। तो हम लोग अभी चेक करते और डाउनलोड करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कि आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा, तो वो तो ज़रूरी है। तो हम लोग एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अभी मुझे दो ईमेल आया ऑलरेडी, एक ये नो रिप्लाई, तो इधर से मेरे को डाउनलोड के लिए लिंक मिला हुआ है, जो डाउनलोड एंड इंस्टॉल प्रो टूल्स फर्स्ट। तो इधर मैक के लिए भी है, विंडोज़ के लिए भी दिया इन्होंने, तो हमको विंडोज़ के लिए चाहिए अभी, तो हम लोग विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेंगे। तो ये आ गया दोस्तों डाउनलोड विंडोज़ के लिए प्रो टूल्स फर्स्ट। तो हाँ दोस्तों, ये इंस्टॉलेशन हो चुका है। अभी हम लोगों को पूछ रहा है कि वेलकम टू प्रो टूल्स फर्स्ट और बिफोर यू गेट स्टार्टेड प्लेबैक इंजन, नाउ यू हैव टू बी डायरेक्टेड टू द प्लेबैक इंजन, प्लीज़ मेक श्योर दी प्रॉपर ऑडियो। इसका मतलब ये है कि बेसिकली हम लोग को ये एक्चुअली दिखाएगा कि कौन सा इनपुट हम लोग को लेने का है, तो हमारा जो ऑडियो इंटरफेस है वो सेलेक्ट करेगा। अगर आप लोग का अगर ऑडियो इंटरफेस जो भी साउंड कार्ड अगर वो USB से कनेक्टेड नहीं है आपका सिस्टम के साथ, तो ये नॉर्मल प्राइमरी साउंड कार्ड लेगा। तो देख लेना कि आपका USB सब कनेक्टेड है कि नहीं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। तो अभी हम लोग ये क्लिक करते हैं। तो अभी दिखा रहा है कुडिन इनिशियलाइज रेंडरिंग इन शेयर्ड मोड, तो इसको ओके करते हैं। अभी वो तो मेरा कुछ शायद इधर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं अभी एक्चुअली ऑडियो इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ मेरे जो क्या बोलते हैं वीडियो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर है उसमें मैं ऑलरेडी ये यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके कारण ये बोल रहा है कि शेयर्ड मोड में ये यूज़ नहीं कर सकता। तो इधर हम मेरे को ये जो है बंद करके फिर ये करना पड़ेगा दोस्तों इंस्टॉलेशन। तो अभी मैं अपना जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला जो इसका है माइक बंद कर देता हूँ, फिर मैं बाद में ये मैं आपका ये इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ। तो ये अभी खुल चुका है दोस्तों, अभी मैं इसमें वही वापस वही प्रो टूल्स फर्स्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, और ये बैकअप टू क्लाउड निकाल देता हूँ, क्रिएट मारो। अभी ये खुल चुका हमारा प्रो टूल्स, देखिए अभी ये जो है ट्रांसपोर्ट विंडो है। अभी हम लोग जरा चेक करते हैं अगर ये चल रहा है कि नहीं, तो ट्रैक नया क्रिएट करेंगे, तो ऑडियो ट्रैक हो गया हमारा क्रिएट। अभी
अभी देखिए यूएसबी ऑडियो कोडक ले रहा है इसमें, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग करके देखता हूँ इसमें, और मैं ये ऑन कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग का। तो अभी मैं जब बात कर रहा हूँ इधर सिग्नल आ रहा है इधर, लेकिन थोड़ा डिले है, इधर अटक रहा है, तो दैट मीन्स हम लोगों को इधर सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इधर जाके वापस प्लेबैक इंजन में जाता हूँ। प्लेबैक इंजन सही है, शायद हमको हार्डवेयर में से सेट चेंजिंग सेटअप चेंज। देखो अभी इधर सही आ गया, WM जो है हमारा जो फाइल है, मैं दिखा देता हूँ आप लोग, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, अभी आप लोग देख सकते हो क्योंकि मेरे पास अभी एक ही साउंड कार्ड है, दो साउंड कार्ड होता तो मैं दिखा सकता था। अभी जब मैंने ऑडियो सेटिंग जो है सेटअप में जाके, और ये मैंने अगर हार्डवेयर लिया तो इधर देखिए अभी वो एक्स मार्क नहीं आ रहा है, पहले वो आ रहा था क्योंकि अभी मेरा माइक इस्तेमाल नहीं हो रहा, प्रो टूल्स नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन FL स्टूडियो में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो अभी ये चल रहा है, तो अभी इसका जो बफर साइज है मैं थोड़ा, बिकॉज ये थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा में रख देता हूँ ताकि हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि प्रो टूल्स थोड़ा हेवी फाइल जैसा ले रहा है। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, और अच्छा ये 704 8000 फ़िलहाल अभी इतने में रख लेता हूँ, और अभी मैं इसको रिकॉर्ड ऑन कर देता हूँ। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ इधर से, दोस्तों देख लिए ठीक हो जाए थोड़ा, देखते हैं अभी, क्योंकि अभी ये नया प्रोग्राम है तो उसके कारण शायद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डीजे नियो, हेलो, चेक चेक चेक, चेक 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 चेक, तो रिकॉर्ड करके देखता हूँ, ये टिक निकाल लेता हूँ मैं इधर से, अभी देखिए चेक चेक, एक मिनट दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, मैंने अभी एक्चुअली इधर एक सेटअप में, बेसिकली ये सेटअप में जाके मैंने ये प्लेबैक इंजन जो है मैंने A7IV प्लेबैक में डाल दिया, इसको रिकॉर्ड में डालता हूँ तो बहुत लैग हो रहा है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इधर सेट सैम्पल्स 128 सैम्पल्स में आता है 4400 हर्ट्ज में। अभी मैं अगर रिकॉर्ड दबाऊंगा तो आप देख सकते हो अटक रहा है, चेक 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 चेक, तो अटक रहा है। अगर सेम चीज़ मैं प्लेबैक इंजन को प्लेबैक में डालूंगा तो ये 512 सैंपल्स में अभी चल रहा है, लेकिन इसमें कोई अटकने का संभावना नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छी तरह इसका लेवल ले रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको मैं रिकॉर्ड करके देखता हूँ, ये रिकॉर्ड आम हो गया, रिप्ले दबा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डीजे नियो और आपका स्वागत है व्लॉग्स बाय नियो चैनल में, और यह है हमारा प्रो टूल्स फर्स्ट का जो है रिकॉर्डिंग, यह है टेस्ट मोड, और इसका टेस्ट करने के बाद हम बताएंगे आपको कि आप ये इंस्टॉल कर सकते हो आपके कंप्यूटर में या नहीं। तो मैं अपना कंप्यूटर का स्पेसिफिकेशंस भी दूंगा आप लोग को, और उसके हिसाब से आप लोग चेक कर सकते हो अगर आप अपने कंप्यूटर में चला सकते हो या नहीं। प्रो टूल्स फर्स्ट बहुत ज़्यादा ही एक्चुअली लोड ले रहा है सिस्टम में, मेरा आईफाई का सिस्टम है, 12 GB रैम है और SSD है, फिर भी बहुत प्रॉब्लम दे रहा है मेरा, शायद मेरा ऑडियो ड्राइवर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। एनीवेज तो रिकॉर्डिंग तो हो रहा है दोस्तों, लेकिन लेटेंसी ज़रूर होगा, अभी इसमें से आउटपुट तो नहीं आएगा मेरे को, ये एक्चुअली एक्सपोर्ट करके ही आपको सुनाना पड़ेगा। तो हाँ दोस्तों, वो था प्रो टूल्स का टेस्ट, जैसे कि मैंने बताया आपको, मैंने टेस्ट किया, मैंने डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया, ये दूसरा इंस्टॉलेशन था मेरा, मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ एक्चुअली इसका जो सेटिंग ढूंढने के लिए। हो सकता है मेरे जो सिस्टम है जो ऑडियो ड्राइवर से शायद सपोर्ट नहीं कर रहा, हो सकता है फोकस राइट और दूसरे जो नए जो USB इंटरफेस है, ऑडियो इंटरफेस है, उसमें शायद सपोर्ट करता हूँ प्रो टूल्स, लेकिन बेहरिंजर UMC 22 का एक्चुअली ऑडियो ड्राइवर भी नहीं सपोर्ट कर रहा, और जो USB 2 का जो है वो ऑडियो ड्राइवर भी सपोर्ट नहीं कर रहा, और FL स्टूडियो का जो है ASIO फॉर ऑल, FL स्टूडियो का ASIO मेरे को निकालना पड़ा तभी जाके ये इतना भी चला, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक्चुअली इसको इंस्टॉल करना। तो आप ध्यान से आप अपना सिस्टम का हिसाब से डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करने का कोशिश कीजिए, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ़ होगा। तो सर, तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा इसको, कैसे भी इंस्टॉल करें, प्रो टूल्स इजी नहीं है, एक बार
सेटअप हो गया तो फिर कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन इसको ठीक करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ज़्यादा उसमें इंटरफेस का ऑप्शंस नहीं है कि हम लोग चेंज कर सके, बहुत ही अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत ही फर्स्ट वाला सॉफ्टवेयर है जो वो लोग फ्री दे रहे हैं आपको, तो उसके कारण शायद ऑप्शंस नहीं है कि हम लोग जाके उसको ठीक कर पाए। तो मे बी वो लोग आगे जाके उसको चेंजेस करेंगे और आप लोग को देंगे, नहीं तो वो लोग ये जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि आप लोग उसका जो है हाई वर्जन वाला सॉफ्टवेयर खरीदें ताकि ये झंझट से निकल जाए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, होपफुली ये हेल्प किया रहेगा किसी के लिए। अगर आप ख़रीदना है प्रो टूल्स जो है आपको फर्स्ट, या आपको फ्री में यूज़ करना है इतने सरदर्दी के साथ, वो टोटली आपके लिए है। मैं ये प्रो टूल्स वर्स कभी भी अपने सिस्टम में यूज़ नहीं करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी प्रो टूल्स है हमारा कंपनी का, वो मैं डाउनलोड करके आपको दिखाऊँगा कि वो इसमें कैसे और कितना अच्छी तरह चलता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।